हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छी तरह से होंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आज हमारे हिबिस्कस के प्लांट में कितने फ्लावर्स खिले हैं। इतना अच्छा लग रहा है। दो फ्लावर्स तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना अच्छा कलर इसका है, मुझे रेड कलर का देसी हिबिस्कस जो होता है, ये गुड़हल का प्लांट बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कि यहाँ पर ये यहाँ पास खिले हुए हैं। देखिए दो वहाँ पर हैं, एक ये है, एक ये है, एक यहाँ पास और एक ये है। और यहाँ पर देखिए, कल खेलने के लिए भी इतने सारी बर्ड्स हैं हम लोगों के पास। वो ये दोनों देखिए, पेड़ बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग भी करता है। इसके नीचे जो फ्लावर आज खिले हुए हैं वो है ये देखिए, सदाबहार का प्लांट मिन का। इसे तो हम लोग भूल ही गए थे। देखिए यहाँ पे बिनका के पास खिला हुआ है। और ये वाला बिनका देखिए, ये बहुत ज़्यादा खिलता है और मुझे बहुत पसंद है। पर इसके जो डाले हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, इधर उधर चली गई हैं पूरी में। इस वजह से इसके फ्लावरिंग जो है आप लोगों को कम लग रही होगी देखने में। देखिए वहाँ पर भी खिला हुआ है और ये यहाँ पर खिला हुआ है वाइट कलर का जैसे बिनका। ये देखिए ये यहाँ पास वाइट एक्सोरा बड़ी अच्छी तरह से खिला हुआ है। बंच में जो फ्लावर्स खिलते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। और ये तो यहाँ आप देख ही सकते हैं हमारा वर्बीना का प्लांट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस तरफ से हम इस साइड पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए कौन कौन से फ्लावर्स हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आज खिलने के लिए जो शाम के टाइम हमारे 4 o'clock खिलेगा, काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स हैं खिलने के लिए आज। ये 4 o'clock का प्लांट देखिए, बर्ड्स से भरा हुआ है। ये हमारा विन का छोटा सा प्यारा सा प्लांट यहाँ पे खिला हुआ है। ये हमने कटिंग लगाई थी जो कि अब देखिए इतनी बड़ी हो गई और अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी कर रही है खूब। और दो रेन लिली भी खिले हुए हैं यहाँ पर, और खिले हुए थे दो और जो कि मुझसे गलती से टूट गए। और इनके बीच में ये देखिए ये कौन सा प्लांट निकला हुआ है, इसी में ये है हमारा मैक्सिकन पेटोनिया का प्लांट जो कि पता नहीं कैसे अपने आप ही निकल आया यहाँ पर फ्रेंड्स। और बेला के फ्लावर्स मैंने सुबह ही तोड़ लिए थे। यहाँ पर धूप तेज़ हो रही है फ्रेंड्स। और ये है आप देख सकते हैं पर्सलिन, यहाँ नीचे देखिए यहाँ पर, और इधर भी खिले हुए हैं। तेज़ धूप होने की वजह से हमारे प्लांट्स जो हैं मुरझाए लग रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत तेज़ धूप है। और यहाँ पर देखिए येलो कलर का एलिमेंटा, ये देखिए नीचे से दिखा रही हूँ पूरा, ये देखिए ये लाइन से खिले हुए हैं। और देखते जाइए ये खिला हुए है, और जितने ऊपर आप जाएंगे देखिए उतना ही खिला हुआ आपको नज़र आएगा प्लांट। तेज़ धूप होने की वजह से वीडियो ब्लर हो रही है फ्रेंड्स। तो चलिए हम नीचे आ जाते हैं दूसरे प्लांट की तरफ। और हमारा दूसरा प्लांट ये देखिए, हिबिस्कस। और ये भी हमारा हिबिस्कस का ही प्लांट है फ्रेंड्स। ये है हमारा देसी विनका का प्लांट जो कि बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। और यहाँ पर हमारा जो है डेंटस भी अच्छी तरह से खिलने लगा है। देखिए ये मेरे लास्ट ईयर का प्लांट है फ्रेंड्स। और इसको देख लीजिए, इसमें कितनी अच्छी तरह से बर्ड्स भरी हुई हैं पूरी में, मैक्सिकन पेटोनिया। ये भी हमारा पर्पल कलर का मैक्सिकन पेटोनिया है, देख रहे हैं। तेज़ हवा की वजह से इसमें जो है सुबह जो फ्लावर्स के लिए थे वो सब गिर गए हैं फ्रेंड्स। तेज़ धूप होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत तेज़ जो है हवा भी चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले तक, और अभी भी हवा चल रही है फ्रेंड्स। और ये यहाँ पर हमारी खिले हुए हैं देसी रोज़, देसी गुलाब। इसकी स्मेल वाह कितनी अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है इसकी स्मेल। ये देखिए इसके पीछे चांदनी देख रहे हैं आप, ये चांदनी का प्लांट है। कितनी अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है देख रहे हैं आप।
और ये दूसरा प्लांट है हमारे गुलाब का, देसी गुलाब का, जो कि बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग ये भी करने लगा है। ये येलो कलर का फ्लावर भी हमारा खिला हुआ है फ्रेंड्स। और उधर आप देख सकते हैं वो हमारा पर्सलिन है। इधर हमारी कटिंग भी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, इसे देखिए, ये हिबिस्कस येलो कलर का बड़ा प्यारा लग रहा है। इसमें भी चारों तरफ से खूब अच्छी बर्ड्स आई हुई हैं, देखिए पूरी में छोटी छोटी बर्ड्स आई हुई हैं और बड़े अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग कर रहा है। और इस प्लांट को भी देख लीजिए, इसमें फ्लावरिंग जो है एकदम ऐसे ही होती है, फ्लावर्स नहीं खिलते हैं, बस ऐसे ही फ्लावर्स रहते हैं इसमें। हमारे सारे प्लांट बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। देखिए बर्ड्स इसमें भी आती हैं मगर इसमें फ्लावरिंग सही नहीं हो रही, देख रहे हैं आप। रोज़ इतने ढेर सारे फ्लावर्स इसमें खिल तो रहे हैं मगर देख सकते हैं आप किस कंडीशन में ही खिल रहे हैं। तो आई होप जल्दी सही हो जाएगा ये प्लांट भी, क्योंकि इसके फ्लावर्स भी इतने बड़े बड़े आते हैं। देसी पिंक कलर का गुलाब है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब धूप इतनी तेज़ हो रही है, बाकी के फ्लावर्स जो हैं मैं आपको कभी और दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा। बाय बाय, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।